सभी को प्रणाम करता हूँ। द विंटेज मैन ऑफ म्यूजिक चैनल में आपका अभिनंदन है। सोनी का MS-GR8 ये मॉडल आपके सामने लेके आया हूँ। फुली वर्किंग कंडीशन में है और बेहतरीन साउंड है इसका। इसी का रिव्यू करेंगे और इसी को चेक करते हैं। तो फंक्शन इसके दिखा देते हैं। पहले यहाँ से पावर ऑन, डिस्क एक्सचेंज, ये रिवाइंड फॉरवर्ड के लिए, 1, 2, 3, ओपन क्लोज, स्टॉप, प्ले पॉज, यहाँ से टाइमर सेलेक्ट, उसके बाद में क्लॉक, टाइमर सेट, स्लीप मोड, यहाँ डिस्प्ले डेमो मोड, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, DBFB, सराउंड स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए, और ये वन डिस्क या ऑल डिस्क रेंडमली प्ले करने के लिए, प्ले मोड, रिपीट मोड और डॉल्बी NR ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे एडिट और डायरेक्शन है, लूप, फ्लैश, और इधर की तरफ बीट ऑन ऑफ करने के लिए DJ के फंक्शन मिल जाते हैं, पैड वगैरह, वेव, नॉन स्टॉप। यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए एंटर, और ये आपका काम करेगा CD को ट्रैक चेंज करने के लिए, या अगर आप एक्वलाइजर, प्रीसेट एक्वलाइजर कर रहे हैं तो उसके मोड चेंज करने के लिए। इसमें सोनिक फॉर्मेशन भी है, ग्रू है, मेमोरी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये म्यूज़िक एक्वलाइजर के मोड आ गए, यहाँ पे मूवी एक्वलाइजर, पर्सनल फाइल हो गए, और गेम पे एक्वलाइजर पे मोड पे जैसे चाहे वैसे चलाए। यहाँ से फंक्शन, उसके बाद में स्टीरियो मोनो मोड, ट्यूनर के लिए ट्यूनर मोड, और यहाँ पे ये ट्यूनर मेमोरी सेव करने के लिए, अगर कोई स्टेशन आपको पसंद आता है सेव करके रख सकते हैं। ट्यूनर बैंड और ट्यूनर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स प्लेबैक, फॉरवर्ड प्लेबैक, रिवाइंड फॉरवर्ड स्टॉप, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, उस तरह भी कैसेट BK भी, और यहाँ पे 2 माइक लग जाएंगे, और ये माइक लेवल है, और कैसेट बहुत बढ़िया चलती है और CD बहुत बढ़िया चलती है। इसमें सिर्फ ऑडियो CD चलता है और जैपनीज मॉडल है, तो अभी इसको देरी ना करते हुए इसको शुरू करेंगे। और ये स्पीकर भी मैं चेक करवा देता हूँ ग्रिल हटा के। ये स्पीकर वैसे ही होते हैं जैसे हमने कल सिस्टम डाला था, तो ये सिस्टम अभी तक रखा हुआ है हमारे पास, ये सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो देख सकते हैं। तो अभी इसको चलाते हैं और चेक करते हैं इसको। तो CD का सेक्शन सबसे पहले चेक करेंगे, ओपन करते हैं इसको, और डिस्क इसमें डाला हुआ है, इसको 2 नंबर के स्लॉट में लगा देता हूँ, और क्लोज करते हैं। स्मूथली काम करता है, क्विकली रीड करता है, और थोड़ा सा वेट करेंगे बस। ये समरी आ गया है इसकी, और प्ले कर देते हैं। नेक्स्ट, ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, CD तो इसकी बहुत बेहतरीन चल रही है। अभी कैसेट भी चला के इसका चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें कैसेट भी चला के चेक करते हैं, पहले डेक ए में, और दोनों तरफ ऑटो रिवर्स है। प्ले करते हैं पहले फॉरवर्ड साइड में। तू नहीं जानती मेरी दीवानगी, इश्क के नाम है अब मेरी जिंदगी। ये स्टॉप, और ये रिवर्स साइड में, और
बी साइड भी चेक कर लेते हैं। तो अब डी बी वही कैसेट में लगा देता हूँ वापस से। प्ले करते हैं पहले फॉरवर्ड साइड में। स्टॉप और अब रिवर्स साइड में। इसका कैसेट तो चेक कर लिया है, अभी इसका ट्यूनर चेक करेंगे और ऑक्स चेक करेंगे। तो अभी इसका ट्यूनर चलाने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर लेट हो जाए आप और सिस्टम पहले सेल हो जाते हैं। तो चलाते हैं इसका ट्यूनर और चेक कर लेते हैं क्या इसका एफएम का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। वैसे हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। सेलेक्ट करते हैं ट्यूनर यहाँ से एफएम पे। ये एफएम पे आ गया है। एफएम का फ्रीक्वेंसी भी अच्छा है। अभी इसका ऑक्स लगा के और चेक कर लेते हैं। वीडियो भी सेलेक्ट किया है और इधर मोबाइल कनेक्ट कर दिया है। प्ले करते हैं। तो साउंड तो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्लीन है एकदम। अब बैक साइड आपको दिखा देते हैं फिर इजाज़त लेंगे आपसे। तो ये इसका बैक साइड है और यहाँ पे मॉडल नंबर आपको दिखा देते हैं नज़दीक से। SCB-ZR8 और यहाँ पे लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी सियाम इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोनी कॉरपोरेशन, टोक्यो, जापान। और बहुत बढ़िया कंडीशन में है बैक साइड, देखिए आप। सीडी डिजिटल आउट है, यहाँ एंटीना की वायर, ये ऑक्स इन और यहाँ पे लाइन आउट। उसके बाद में सुपर ऊपर आप यहाँ जोड़ सकते हैं इसके साथ कोई भी एक्टिव। सराउंड स्पीकर, फ्रंट स्पीकर एग्जॉस्ट दिया हुआ है और स्पीकर एस टू एच बहुत अच्छी कंडीशन में है दूसरा वाला भी।